ये जो दिमाग में वसवसा आता है ना, ये सिर्फ अपने आप को धोखा देने के लिए आता है, और सिर्फ ये चीजें उन मामलात में आती हैं जो अल्लाह ने ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर लगाई हुई है। जो हम अपने काम खुद कर रहे होते हैं ना, उसमें हम अल्लाह के फजल से अल्लाह के हिस्से का काम भी अपने जिम्मे लिया होता है, तवक्कुल की भी कमी होती है जो हमने खुद करने होते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि दुआ करें जी मैं बस इंशाल्लाह इरादा है अभी घर जाके मैंने डिनर करना है तो मैं घर तक पहुंच जाऊं, करना होता है। कभी किसी ने कहा कि ये जी मैं अभी टॉयलेट जा रहा हूं, दुआ करें कि मैं फारिग होकर ना सलामती के साथ बाहर आ जाऊं। हालांकि ये भी एक बड़ी मुश्किल एक्टिविटी होती है जो परफॉर्म हो रही होती है। जैसे ही आप कोई दीनी ऑब्लिगेशन की बात करते हैं जी दुआ करें अल्लाह तौफीक दे नमाज पढ़ लेंगे, तो ये तो सरासर धोखा है। शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि आप इस तरह का मामला करें। अंबिया का मुकदमा, किताबों का मुकदमा कायम ही इस बात के ऊपर है कि इंसान को इख्तियार दिया गया है, अदरवाइज किताबों और पैगंबरों की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर अल्लाह ताला ने सॉफ्टवेयर ऊपर से फीड किया और आप उसी के मुताबिक चलेंगे, वो वाली मखलूक तो है अल्लाह के पास फरिश्ते, इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया।